और कार्तिक महत्व महत्तम का जो विशेष वर्णन है वो जीवन का सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है तकलीफ है तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ, कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ। आप इन तीन वृक्ष में से आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन तीन वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहे शंकर भोलेनाथ ओघड़ रानी की कथा कह रही है, व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक। सात नियम है कार्तिक के महीने के, जो सात नियम बताए गए हैं, कम से कम हम सात नियम में से एक नियम ऐसा पकड़े जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। आप पहले सात नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, पहले एक नियम करो पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम ये पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। कहा था कार्तिक के सात नियम है, उसमें पहला दीप दान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन सहित चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे पानी का संयम हो, चाहे भोजन।